74 08, इसमें बीच में एस लिखा हुआ है, आखिरी में एन लिखा हुआ है, डीएम। टोटल 8 इनपुट, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2। सभी गेट को पहले हाई कर देते हैं। गेट के इनपुट सभी हाई है। जब स्विच बंद रहता है, नेगेटिव नहीं मिलता है, तो हाई कंसीडर किया जाता है। रेड वायर +5 वोल्ट 14 नंबर पिन पर। यहीं सर दो लूप लिए हुए एलईडी ग्रुप 1, गेट 1 और गेट 2 के कैथोड को, तथा एलईडी ग्रुप 2 गेट 3 और गेट 4 के आउटपुट के कैथोड को। पहले पिन लेआउट देख लेंगे। 74 08 क्वाड 2 इनपुट्स एंड गेट। इसे करेक्ट पोजीशन में लगाना जरूरी है। इसके लिए ऊपर से हाफ सर्कल रहता है, ऊपर का भाग, या पिन नंबर 1 के पास एक टिप रहता है। पिन नंबर 1 A1, पिन नंबर 2 A2, ये गेट 1 के इनपुट्स है। गेट 1 का आउटपुट ए आउट, गेट 2 के इनपुट B1 और B2, पिन नंबर 4 और 5, गेट 2 का आउटपुट पिन नंबर 6 बी आउट, 7 नंबर ग्राउंड, 9 और 10 पिन नंबर C1 और C2 इनपुट, गेट 3 का आउटपुट सी आउट पिन नंबर 8 के ऊपर, पिन नंबर 13 और 12 डी गेट के इनपुट D1 और D2, गेट 4 का आउटपुट डी आउट, 14 नंबर VCC, ट्रुथ टेबल 1 2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। वन वन जीरो वन वन जीरो 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 ये इसका इनपुट है। आउटपुट लिखा हुआ नहीं है, चेक करेंगे। B1 और B2 ऑन करेंगे। B1 ऑन किया, B2 ऑन किया, दोनों लो हो गए। LED 2 B आउटपुट चालू हो गया, फिर बंद करेंगे। जब दोनों बंद रहेंगे, इनपुट हाई आउटपुट लो, A1 और B1 चेक करेंगे। दोनों ऑन करने के बाद LED चालू, एक बंद किया, दूसरा बंद किया, दोनों हाई हो गए, आउटपुट लो। C1 और C2 ऑन करेंगे, C1 C2 दोनों बंद करने के बाद लो हो गया। दोनों में से कोई भी एक ऑन रहेगा, ऑन रहेगा, LED ऑन। D1 और D2 दोनों ऑफ रहेंगे तो LED ऑफ। यहाँ पहले मैंने टेलीफोन सर्विस वायर से निकाले हुए वायर लगाए थे, इसके टिप्स गेज बहुत पतला है, लगाने से बन जाते हैं, इसलिए 1 18 का वायर जिसमें 1 20 1 22 का गेज भी आ सकता है। 1 18 थोड़ा मोटा हो जाएगा, 1 20 1 22 का ठीक रहेगा। हार्ड वायर है, पुश करने के लिए अच्छे हैं।
यहाँ मैंने चार आउटपुट ट्रांजिस्टर के लगाए थे, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर एलईडी का एनोड, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज, बेस के ऊपर ब्लू वायर जो आगे यहाँ से आउटपुट में देना है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कभी कभी ट्रांजिस्टर होल्ड होके रहता है। एलईडी से आईसी के ऊपर थोड़ा लोड आता है, दो एलईडी सीरीज में लगाए जा सकते हैं, लेकिन टेम्पररी टेस्टिंग के लिए ये अरेंजमेंट ठीक है। ऑसिलोस्कोप सीआरटी या एलसीडी वाला लगाया जा सकता है। इसमें वीसीसी का वोल्टेज गिन सकते हैं, इसके लिए एक टेस्ट लैंप बनाया मैंने 24 वोल्ट के एलईडी के साथ में। इसका ब्लू वायर नेगेटिव है, नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉइंट ग्राउंड, रेड वायर इसका मल्टीमीटर से निकाला हुआ, रेड वायर को जॉइंट किया हुआ है। नेगेटिव लगाने गलत जगह पर लग गए। पांच वोल्ट आ रहा है, 24 वोल्ट का एलईडी रहने की वजह से बहुत डिम जल रहा है। पाँच वोल्ट के एलईडी से वीसीसी चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, बड़ा वाला लीड पॉजिटिव, कैथोड डायरेक्ट नेगेटिव लगाएंगे। एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, यहाँ चेक करेंगे।
एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ है, देखेंगे।